हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑफ करके भी वीडियो किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और पास में दिख रहा बेल आइकन को जरूर से ऑन कर देना ताकि हमारे एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर पर सर्च कर देना है Easy वीडियो रिकॉर्डर। तो यहाँ पर सर्च करोगे, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके की है और ये आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं इसका लिंक डायरेक्ट आपको दे दूँगा। यहाँ पर मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है तो मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ। गाइस, इसमें आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है, अगर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपकी दो एप्लीकेशन जो है ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी, यहाँ पर वन टच और इजी वीडियो। आपको इस एप्लीकेशन को आप चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो, मतलब अनइंस्टॉल नहीं करना है इसको, कहीं किसी और फोल्डर वगैरह में डाल देना है। और ये इसलिए है ताकि आप मतलब कि जैसे आपका फ़ोन ऑफ हो उसे ऑन करके डायरेक्ट इस पर वन टच करेंगे तो आपका वीडियो स्टार्ट हो, या फिर आप अपने वॉल्यूम बटन को दो बार प्रेस करके वीडियो ऑफ ऑन कर सकते हैं या फिर वन एक बार प्रेस करके आप उसे ऑफ भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा और यहां पर मैंने अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स पर जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके। यहाँ पर ऐड दिखा रहा है तो इसे ऐड को मैं कट कर दूँगा। ओके, तो सिंपली हमने इस ऐड को कट कर दिया है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है सेव टू गूगल ड्राइव। ये क्या करेगा, आपकी जो ओरिजिनल फाइल है इसे डिलीट करके ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव में सेव कर देगा। आप चाहो तो ये भी सेटिंग यूज कर सकते हो या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपने वीडियो को सेव करा सकते हो या फिर आप अपनी लोकल फाइल को डिलीट करके गूगल ड्राइव में या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट में मूव कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है टैप टू रिमूव द पासवर्ड। अगर आपने अपनी इस एप्लीकेशन में पासवर्ड लगाया है इसको ओपन करने के लिए तो इस पासवर्ड को भी आप यहाँ से हटा सकते हो। और यहाँ पे आप का लिखा हुआ है कैमरा भी, मतलब जो आप जैसे अपनी वॉल्यूम के बटन को दो बार प्रेस करोगे तो जैसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी तो यहाँ आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। आप अगर चाहते हो उस वाइब्रेशन को हटाना तो यहाँ से हटा सकते हो। और यहाँ पर आपको इसी तरीके से नीचे भी सेटिंग मिल जाती हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे नीचे चले जाना है। मेन सेटिंग आपकी यहाँ पे स्टार्ट होती है, यहाँ पर आपकी दो एप्लीकेशन के आइकन दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस वाले पे क्लिक कर देना है एक्टिवेट द वॉल्यूम की टैप, टैप टू एक्टिवेट वॉल्यूम की टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको इसको टिक कर देना है। और यहाँ पर ये जो इसके नीचे दिया हुआ है सेट द नंबर ऑफ वॉल्यूम की प्रेस्ड इन टू टाइम्स लिखा हुआ है, आप इसी पे क्लिक कर देंगे तो या फिर थ्री टाइम आप प्रेस कर सकते हैं या फिर एक टाइम प्रेस कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ नीचे भी है, एक बार प्रेस करेंगे तो मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी या फिर दो बार प्रेस करके भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग को रोक सकते हैं, इसे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिवेट द पावर की टैप टू एक्टिव द पावर की टू स्टार्ट एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग, या फिर आप पावर की को भी ऑन ऑफ करके रिकॉर्डिंग को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो। तो आई होप गाइस ये एप्लीकेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं इसका प्रैक्टिकल करके तो आपको नहीं दिखाऊंगा, इसका आप प्रैक्टिकल खुद कर सकते हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल और इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मात्र थोड़े से ही ऐड देखने पड़ते हैं और ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। आप चाहो तो इसके एड्स को रिमूव कर सकते हो जिसके लिए आपको कुछ पैसा देना होगा, पर एड्स को रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक मतलब आप दो से तीन बार वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो एक बार ही ऐड आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए